हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके सुपर टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ कि सुपर टेट क्या है, इसके एग्ज़ाम के लिए आपकी क्राइटेरिया क्या होती, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपके कितने नंबर्स होने चाहिए, आपके जो भी बीएड बीटीसी में किया है, अगर आपने टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं है तो क्या आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। आपने अगर कोई भी कोर्स, जैसे आपने बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा या कोई दूसरा कोर्स किया होगा, तो उसमें आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उसमें कम से कम लीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और आप क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। जो 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने जो 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए और कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, तो 50% के मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने मान लीजिए ये नहीं किया, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम मैंने तो 4 ईयर्स का जो बीएलएड होता है उसको किया है। तो अगर आप 4 ईयर का बीएलएड, जिसे आप किससे नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने उसको क्वालिफाई किया है तो भी आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने उसको भी नहीं किया, आपने क्या किया, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में किया 2 ईयर्स का, तो भी आप क्या कर सकते हैं, सुपर टेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने उसको भी नहीं किया है तो आपने क्या किया, ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन के बाद आपने 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे आप डीएलएड वगैरह के नाम से जानते हैं, अगर आपने ये किया है तो भी आप सुपर टेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आप मान लीजिए कि अगर आपने डीएलएड नहीं किया है, बीएलएड नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपने बीएड किया होगा, तो आप ग्रेजुएशन किया हो, बीएड हो और आप 50% मार्क्स से अपना बीएड कंप्लीट हो, पास्ट हो, तो आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ये सारे क्राइटेरिया के अलावा आपको क्या होना चाहिए सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, या तो जिस स्टेट का आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी का यूपी सुपर टेट एग्ज़ाम का दे रहे हैं, तो आपको यूपी का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आप यूपी टेट के नाम से जानते हैं, उसको क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। आपको यूपी टेट क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। अब आप मान लीजिए कि आप यूपी टेट तो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है तो आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिए। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि मैम हमें जैसे यूपी सुपर टेट का फॉर्म भरना है और हम तो यूपी टेट क्वालिफाइड नहीं है। आप यूपी टेट नहीं क्वालिफाइड, लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यूपी टेट का पेपर 1, अगर आप पेपर 1 के लिए भर रहे हैं तो आपको पेपर 1, अगर आप पेपर 2 के लिए भर रहे हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। या तो आप यूपी टेट क्वालिफाइड किए हों अगर आप यूपी सुपर टेट का दे रहे हैं, या तो फिर सीटेट का एग्ज़ाम क्या हुआ, क्वालिफाइड होना चाहिए। ये आपकी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपने जो भी कोर्स किया होगा, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, जो भी कोर्स किया हो, उस कोर्स को अपने 50% मार्क के साथ क्या करना होना चाहिए, पास होना चाहिए। और दूसरी आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या तो आपने यूपी टेट या जिस स्टेट का भर रहे हो उस स्टेट का टेट क्वालिफाइड हो, या तो फिर आपको क्या होना चाहिए, सीटेट का क्वालिफाइड होना चाहिए। और सीटेट का जिस पेपर के लिए आप भर रहे हैं, अगर आप पेपर 1 के लिए भर रहे हैं तो पेपर 1 का क्वालिफाइड होना चाहिए, पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए भर रहे हैं तो आपको उसको क्वालिफाइड होना चाहिए। ये तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझ गए। अब आपको एज क्राइटेरिया पता होना चाहिए, किसकी एज क्या होती, किस एज तक के बच्चे भर सकते हैं। तो इसके जो मिनिमम एज होती है, मिनिमम एज आपकी कितनी होती है, 21 होती है, और मैक्सिमम एज कितनी होती है, 40 होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ एज में रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी को कितना, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और जो डिफरेंशियल एज, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनको कितना मिलता है, 15 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी मिनिमम एज कितनी हो, 21 तो आपकी वो एज होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होती है, 40 होती है। लेकिन इसमें आपके कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे एससी, एसटी को, ओबीसी को 5 वर्ष का,
और जो दिव्यांग होते हैं डिफरेंशियल एबिलिटी कैंडिडेट्स होते हैं उनको कितना मिलता है, 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। इस तरह से आज आपने जाना कि सुपर टेट एग्जाम के लिए क्राइटेरिया क्या होते हैं, आपको पहले क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसकी एज क्राइटेरिया क्या होती है, ये तो आपने जान लिया। अब सुपर टेट एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, इसका सिलेबस आपके यूपी टेट वगैरह सी टेट से अलग कैसे होता है। जैसे आपको पता है कि सी टेट में क्या होता है कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें 5 सब्जेक्ट की क्या होती है, सब्जेक्ट पेडागॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे यूपी टेट में आपके पेडागॉजी के कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके सुपर टेट में क्या होता है, सुपर टेट में काफ़ी आपका सिलेबस होता है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। और उस सिलेबस को आपको कैसे पढ़ना होता है, 12th स्तर तक का क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी तक आपके यूपी टेट सी टेट में क्या होते हैं, तो जूनियर लेवल तक के ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, प्राइमरी में प्राइमरी लेवल तक का ही आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी होती थी। अब यहाँ पे आपको सुपर टेट में क्या, पूरे 12th लेवल तक का स्टैंडर्ड तक की बुक्स पढ़नी होंगी, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़नी होंगी। तो आज आपने सुपर टेट के बारे में जाना, इसकी एजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी एज में क्या क्राइटेरिया होती है, इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ना है, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके उसमें आपको सिलेबस के बारे में समझाऊंगी कि आपका सिलेबस है तो इस सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप सबको पता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके सिलेबस में क्या पढ़ना है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम तो लाखों बच्चे देते हैं लेकिन सफल कितने बच्चे होते हैं, बहुत कम बच्चे। क्योंकि आप सबको पता है कि हार्ड वर्क से ज़्यादा क्या होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है। आपको अपने सिलेबस में पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना। तो सुपर टेट एग्जाम के सिलेबस के बारे में आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो अगर आप सुपर टेट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो बहुत ही आसानी से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।